हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो फिलहाल अभी पूरी फैमिली जा रहे हैं किसी रिलेटिव्स के घर पे। मम्मी लोगों को तो रिलेटिव्स के घर पे ही जाना होता है, और हल्द्वानी में तो हमारे इतने रिलेटिव्स हैं ना, 10-20 रिलेटिव्स हैं, तो किसी के घर पे भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मम्मी आपको लेके चलते हैं। आप लोग भी बोल रहे थे कि मम्मी पापा को लेके जाया करो जहाँ भी जाते हो। फिलहाल मैं गाड़ी में आ गया हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने। गाड़ी को चलाने से पहले थोड़ी देर स्टार्ट करके रखना चाहिए ना, एकदम से चलाना ठीक नहीं है। जाना कहाँ है तो बताओ पहले। गांजा गांजा जाने कमलवा गांजा कमलवा गांजा बेटा लगाइयो। मम्मी की बहन के लड़के घर पे जा रहे हैं, ठीक है। फोन है आपके पास? फोन तो नहीं है। तो मैं कैसे खिंचाऊं इसमें? ऐसा मेरे साथ में बहुत बार होता है कि सब्सक्राइबर्स को फोटो लेनी होती है लेकिन उनके पास फोन नहीं होता, तो मैं खुद के फोन से फोटो लेके उसको उनको इंस्टाग्राम पे सेंड कर देता हूं, तो वो ठीक रहता है। ये भी आई थिंक सब्सक्राइबर ही है। हां जी, एक फोटो चाहिए सर। फोन है आपके पास? हां, रुको मैं आया। मिठाई तो ले आई पापा जी। तो अभी हम पहुंच गए। तो गाड़ी हमको यहाँ पार्क करनी पड़ी क्योंकि इससे आगे जा नहीं सकती, यहाँ पे ये लगा हुआ है, लेकिन हमको जाना उधर है। नहीं काटेगा, थोड़ी ना काटेगा। नहीं, लोग भी कमेंट करेंगे कि ओरियो से डराने के लिए लेके जाता तुम ओरियो को, कितना क्यों डर रहे थे। बाकी यहाँ तो पूरा खुला एरिया है, सारे घर सेम से लगते हैं। और गाड़ी हमारी वहाँ पार, वो देखो वहाँ पे गाड़ी। तो अभी हम आए एक जगह पे, यहाँ पे देखो सारे के सारे घर सेम है, बिल्कुल सेम, वहाँ से लेके यहाँ तक सारे सेम। देखते हैं कैसे हैं। घर के ऊपर से देखो गाइस कितना मस्त व्यू है, सामने पहाड़, ये बेस्ट लगा मुझे। पता नहीं बच्चों को पता क्या चलता है, बच्चे बाहर से बेल बजा रहे कि बाहर आओ, इनको बाहर भेजो। शायद गाड़ी से पहचानते होंगे। तुमको पता कैसे चला? अच्छा गाड़ी से, मतलब कहीं भी चले जाओ, मतलब बच्चे तो ढूंढ ही लेते हैं मुझको, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मेरा आज कुछ ज़्यादा व्लॉग बना ही नहीं है, बस हम ये इनके घर पे आ गए थे, तो घर पे तो व्लॉग होता नहीं, बट मम्मी खुश है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ आए मम्मी खुश होगी, बस थोड़ा बहुत जितना बनेगा डाल दूंगा। गिरूंगा तो नहीं ना? नहीं गिर जाओगे, इसने पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक दिया भाई, ये तो चल ही नहीं रही है, उसके लिए ओवरलोड हो गया ना। बाय। तो अभी गाइस हाथ में पता नहीं मेरे क्या हो गया, झटका सा आया, पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ सीधा ही नहीं हो रहा। देखो ये वाला तो हो रहा है सीधा, बट ये वाला सीधा ही नहीं हो रहा, बहुत पेन हो रहा है। गाड़ी में बहुत मुश्किल चला के लाया हूँ, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। एक बार ना ऐसे पकड़ के हाथ सीधा करने की कोशिश करो। कर रही हूं मैं, कर रही हूं, तभी तो कर रही हूं। सूजन दिख रही तेरे को? ये नशा है, ये नशा में हो रहा है। लास्ट टाइम डॉक्टर ने एकदम से ऐसे कर दिया, इतनी दर्द हुई ना, मैं ऐसे बेहोश हो गया था। दिमाग तक जाता है वो भाई, सबसे ज्यादा जिंदगी में ना सबसे ज्यादा पेन इसी में होता है। पता है मेरे को, ये मेरे जो हाथ में वो वहाँ करता था ना, नहीं करता था वहाँ जब मैं जाती थी। पता है जिंदगी में ना सबसे ज्यादा पेन इसी में होता है, एकदम से करते हैं ना जब। बिल्कुल जैसा हो गया था मेरा, मैं तो बेहोश हो गया था एकदम से। ना भाई वो दिमाग में जाता है, मेरे को पता है ना। पारस भैया ने कर दी थी यार उस दिन, पता नहीं उन्होंने क्या करा, कैसे मसला। सुबह तक तो इतनी कम होगी थी दर्द। यहाँ पर बड़े पापा कर रहे पूजा, और ये यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पर दर्द है, ये यहाँ आया है ना खिसक के। अरे ये देखो पूरा मोटा, ये देखा लगा अभी थोड़ी देर, देखा अगर ज्यादा होती है फिर वो आता है निर्मल भैया, फिर दिखा ला। नहीं मम्मी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मेरे को पता है मैं लास्ट टाइम गया था क्या हुआ था। ऐसे देखो, ऐसे तो हाथ हिल रहा है मेरा, ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, ऐसे भी हिल रहा है, ये चीज हिल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना, अरे दिक्कत तो इसमें आई है, ये इसके नीचे वाली चीज कर। पता नहीं सडनली मेरे हाथ में क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है ऐसे करने में, ऐसा मेरे साथ थर्ड टाइम हो रहा है। फिलहाल तो मम्मी ने मालिश कर दिया है। तो अभी गाइस निर्मल भैया आए हुए हैं, मैंने इनको बताया कि मेरे हाथ में लगे, तो ये पट्टी वट्टी मूव पता नहीं क्या क्या लेके आ गया, देखना स्प्रे मूव ये पता नहीं क्या क्या उठा के ले आए। तो देख लो गाइस कितने अच्छे हैं निर्मल भैया, इस तरह के दोस्त सबको मिलने चाहिए। फिलहाल मैं दोनों हाथों से ब्लॉग कर रहा हूँ, बाकी फिलहाल अभी डिनर करेंगे सारे मिलके साथ में। तो फिलहाल मम्मी बनाई रोटी, एंड आज बनी है पनीर की सब्जी, बहुत टाइम के बाद। तो फिलहाल खाना आ चुका है, चावल भी है क्या? पहले दो रोटी का, उसके बाद चावल मिलेंगे। ऐसे दिन में भी इतने से चावल खाए हैं, रोटी खा जरूर। एप्पल काटो एक दो यार। हल्दी वाला दूध है ना? तो फिलहाल मम्मी दूध लाइए हल्दी वाला, क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा है ना, और मैं कर रहा हूँ एडिटिंग। तो फिलहाल गाइस 12 बज गए, एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया मैंने, एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही,
उंगलियां उंगलियां, इवन हाथ भी मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। देखो इस जॉइंट में पेन है, बट हाथ में ना ही ऐसे कर सकता ना इसको सीधा कर सकता, टेढ़े का टेढ़ा ही है। सीधे करने में यहाँ पे बहुत पेन हो रही है, तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, पहले मेरे पैर में लगी अब हाथ में, बट जो भी हो जाएगा ठीक। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतनी क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा भाई, दर्द हो रही रे। जैसे जैसे गोले नहीं लगते किसी को, वैसे पूरे लहर की तरह जा रहे हैं। जब तेरे हाथ में दर्द हो गया तल जाएगा तेरे को पता। भाई तू तो हाथ में लगा देगा ठीक है? हाँ नहीं ये दर्द ऐसी होती मेरे को पता है ना, मेरी भी तो होती है, तो झटका आता है।